एटम्स एंड मॉलिक्यूल बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर इसको बुक से कंप्लीट करोगे एनसीईआरटी से तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ ही मिनटों में रिवाइज हो जाए? तो चलिए रिवाइज करते हैं चैप्टर। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से चैप्टर शुरू होता है। तो वहां पे हमने दो लॉज देखे थे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें बोला जाता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो एरो के लेफ्ट साइड होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो एरो के राइट साइड होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का टोटल मास विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों का मास, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी जोड़ूं तो वो मास ऑफ सी के बराबर आएगा। यानी रिएक्टेंट्स का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास होता है। देन उसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी रेशियो सेम होता है, प्रोपोर्शन सेम होता है, उसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट फ्रॉम वेयर द सैंपल हैज बीन टेकन और फ्रॉम विच प्रोसीजर हैज इट बीन प्रोड्यूस। मतलब कि वो कहां से उसको बनाया गया है, कहां से लिया गया है, किस प्रोसीजर से उसको बनाया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा चाहे कहीं से भी लो, उसका रेशियो सेम रहता है। जैसे H2O है, H2O यानी वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो चाहे किसी भी सोर्स से लेके आओ, चाहे खारा पानी लाओ, चाहे मीठा पानी लाओ, कैसा भी पानी लेके आओ और किसी भी तरीके से बनाओ, चाहे लैब में बनाओ या किसी भी तरीके से, इसका जो रेशियो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो 1:8 ही होता है हमेशा। अब बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जॉन डाल्टन, उन्होंने कुछ एटॉमिक थ्योरी दे रखी है, कुछ पोस्टुलेट दे रखे हैं, यानी कि एटम कैसा दिखता होगा, मतलब कुछ अजम्पशन थोड़ा थोड़ा इन्होंने कुछ लगाया है, कुछ सोचा इन्होंने एटम के बारे में, वो इन्होंने लिख करके दिया है। पहली बात इन्होंने बोली कि सारे के सारे मैटर टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम एटम बोलते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि एटम जो है इंडिविजिबल होता है, यानी कि उसके अब और टुकड़े नहीं करे जा सकते। हालांकि आज ये गलत है, क्यों? क्योंकि उसके और भी टुकड़े करके हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग कर दिए हैं। पर जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी तो बोला था कि ये इंडिविजिबल होता है, यानी कि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते एटम के, और इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, जो कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ मास उसको प्रूव करता है, उसको प्रूव कर रहा है। तीसरा है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट होगा, तो उस एटम का जो मास होगा वो भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी सेम होगी, और अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा तो डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। सिंपल सी बात है, और अगर हमें ये वाला याद हो जाएगा तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि वो उसका ऑपोजिट है। नंबर 5, एटम्स कंबाइन करते हैं ना होल रेशियो में, जो कि प्रूफ करता है, ये वाला जो स्टेटमेंट है प्रूफ करता है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ को, जो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ अभी हम पढ़ के आए हैं उसको ये प्रूफ कर रहा है ये वाला स्टेटमेंट। नंबर 6 जो है वो है रिलेटिव नंबर, जो रिलेटिव नंबर होता है, एटम कितने होंगे कंपाउंड के अंदर। जैसे मान लीजिए H2O है, तो H2O एक एटम हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो दो एटम इसमें है ना, दो तरह के एटम है, जबकि टोटल 3 एटम है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। तो ये जो होता है, और काइंड ऑफ एटम जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर, किसी भी वाटर के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कॉन्स्टेंट हो गया। ऐसे अब देखते हैं ये एटम्स क्या होता है, यार एटम्स तो बताना चाहिए क्या होता है, चैप्टर ही एटम के बारे में। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम कहते हैं एटम। और ये जो है ना, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एटम कौन सा, हाइड्रोजन का एटम है, जिसकी रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस है वो है 0.037 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर क्या होता है, तो आप ऐसे समझो एक नैनोमीटर जो है वो 10^-9 मीटर के बराबर होता है, तो अंदाजा लगा लो कितना छोटा होगा ये। देखते हैं IUPAC सिंबल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, उन्होंने कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, जो एलिमेंट्स है ना एटम्स, उसके कुछ सिंबल दे रखे हैं उन्होंने। तो हम उसका नाम देख लेते हैं, क्या क्या, कौन सा क्या है, आपस नाम याद रखना, ठीक है। सिंबल यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, मैं उसका नाम बोलूंगा, आपको याद रखना है। ये एल्यूमिनियम है, ऑर्गन, बेरियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, ऑरम, इसको गोल्ड भी बोला जाता है। तो हम एक काम करते हैं, जो नाम अलग है पर लैटिन वर्ड में अलग नाम से बोला जाता है, लैटिन यानी दूसरी भाषा में अलग नाम से बोला जाता है,
उस पे हम गोला लगा लेते हैं, एक काम करते हैं ये वाला। तो एल्यूमिनियम, इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी एल्यूमिनियम ही बोलते हैं। ऑर्गन, बेरियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, ये कॉपर को हम बोलते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक बोला जाता है इसको लैटिन भाषा में। ये है फ्लोरीन, ये ऑरम यानी कि ये गोल्ड है। हाइड्रोजन, आयोडीन, फेरस, इसको लैटिन भाषा में फेरस बोला जाता है, फेरम बोला जाता है, जबकि इसे हम बोलते हैं आयरन। ये है पीबी यानी लेड, इसे बोलते हैं प्लम्बम जो कि लेड है बेसिकली। ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, पोटेशियम जिसे कैलियम बोलते हैं, सिलिकॉन, अर्जेंटेनम जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, सल्फर, जिंक। एक बार फिर से नाम देख लेते, जो मैंने गोला लगाया ना वो लैटिन भाषा के शब्द से उठाए गए हैं उसके सिंबल, ठीक है। एल्यूमिनियम, ऑर्गन, बेरियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, ऑरम यानी कि गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, फेरस यानी आयरन, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, अर्जेंटेनम यानी कि सिल्वर, और ये सल्फर है और ये जिंक है। तो ये सारे के सारे सिंबल्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में एक मार्क्स का पूछ लिया जाए। अगला है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, जो एटम का जो मास होता है ना उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। जैसे मान लीजिए मैंने एक सल्फर एक एटम उठाया, अब जो मैं इसका मास तोल रहा हूं ना, जो इसका वजन है उसको मैं बोलूंगा एटॉमिक मास। देन उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट कुछ नहीं बेसिकली, एटॉमिक मास यूनिट कुछ नहीं बेसिकली कार्बन 12 जो होता है ना, यानी कि जो कार्बन होता है, कार्बन सीधा कार्बन समझो, जो कार्बन होता है ना उसका जो वजन है उसका 1/12 हिस्सा, यानी कार्बन का जो वजन आएगा उसको 12 से भाग दे देंगे और जो वेट आएगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये पता है ये वजन कितना होता है, ये एटॉमिक मास यूनिट को यूसी दिखाया जाता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 × 10⁻²⁷ केजी के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे एटम्स मिलके केमिकली बॉन्ड बनाते हैं ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ गए, तो बहुत सारे एटम मिलके एक बॉन्ड बनाया आपस में, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकली बॉन्डेड एटम्स। ऐसा भी हो सकता है जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो सेम तरह के एटम से बन रहे हो या अलग अलग तरह के एटम से। अगर वो सेम तरह के एटम से बन रहे हैं तो उसे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, इसमें सिर्फ ओ है, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर, फॉस्फोरस, इसमें सेम टाइप का एटम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल हो गया, और एक ही तरह का एटम है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर अगला है हेटरोएटॉमिक, जिसमें अलग अलग तरह के एटम है, जैसे इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अलग अलग तरह के एटम इसमें हो रखे हैं और फिर एक मॉलिक्यूल जाके बनाए, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगला है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, जो एक कोई मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम जितने होंगे ना उनको गिनना है टोटल, उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उसको हम एटॉमिसिटी बोलेंगे। ऐसा हो सकता है कि दो हो, एक ही अगर मान लीजिए अगर एक ही मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम हो तो उसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक, अगर एक हो तो बोलेंगे मोनो एटॉमिक। आर्गन और हीलियम एग्जांपल है, आपको ना मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक का एग्जांपल, ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल O3 है, टेट्रा एटॉमिक का P4 है, पॉली एटॉमिक का S8 है, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब ये जो लिस्ट बना रखी है ये एटॉमिक नंबर वाइज बना रखी है, बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर का ऑर्डर थोड़ा टूटा है क्योंकि फेरस जो है उसका एटॉमिक नंबर इसके बाद नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये याद कर लेना है इसका एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें आप सारे तो याद नहीं कर पाओगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। और पहली बात तो इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, आप बस ये याद रखो कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, ऐसे करके आप बस इसका नंबर वाइज याद रखो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर उसके बाद पोटेशियम आता है, ये ऐसे करके याद रखो। देखो इसको याद करने का तरीका यह है कि हाइड्रोजन है लिखता, हाइड्रोजन है लिखता बेटा भाई कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क और फनी वीडियो देख रहा हूं, ऐसे करके आप इतना यहां तक याद कर सकते हैं। यहां तक कैसे याद कर सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। हाइड्रोजन है लिखता बेटा भाई कार्टून नेटवर्क और फनी वीडियो देख रहा हूं, जबकि यहां पे
सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम नामग अलसी पस्कल का इस तरह से आप याद कर सकते हैं आसानी से। और फेरस जो है उसका 56 एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है। आपको ना ये पूरा इसका एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये याद कर लेना कि कौन सा किसके नंबर पे कौन से बाद में आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये पूरा ऑर्डर आपको कैल्शियम तक याद होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो इसको जब आप याद कर लेंगे उसके बाद ना आपको ना एटॉमिक मास ना दे रखा होता है एग्जाम में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एटॉमिक मास याद नहीं आया एग्जाम में तो क्या होगा, वहां पे दे रखा होगा। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है उसमें जो मॉलिक्यूल का मास होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैंने बोला कि H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो गुना हाइड्रोजन का मास प्लस में एक गुना ऑक्सीजन का मास, दो गुना हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हमें पता है, हमने पिछले अभी पीछे स्लाइड में पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन का मास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो गया 18U। तो H2O या H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 18U। इसी तरह से CO2 का है 2, CO2 जो है वो एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो कार्बन का होता है 12 प्लस में दो ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32, 12 और 32 कितना हुआ 44U। तो 44 एटॉमिक मास यूनिट इसका आंसर है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे दो ऑक्सीजन दे रखा है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से तो इसका आंसर आ जाएगा 32U, 32 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से किसी भी जो कि मॉलिक्यूल दे रखा होता है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला इसको लिखे कैसे, तो केमिकल फॉर्मूला आपके उंगली पे होगा अगर आप इस सारे के सारे चीजों को देख लेंगे और आप ये वाला जो है ये वाला टेबल इसको याद कर लेंगे कि आयंस जो है ये सोडियम है, नाम देख लेना ध्यान से क्योंकि इसी के बेस पे सवाल कर पाओगे। तो ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और ये अमोनियम आयन है, अमोनियम नाम है इसका, ये क्लोरीन है, ये सल्फर है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये नाइट्रेट है, ये सल्फेट है, ये फॉस्फेट है। तो अगर इन सबके नाम आप टेबल में से देख करके याद कर लोगे यहाँ से तो आपको आसान हो जाएगा और फिर ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप इसको बना पाओगे और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकाले। तो हमें पता है सीधी सी बात कि हाइड्रोजन जो होता है वो H होता है और सल्फाइड जो है वो S है, जो सल्फर होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है जबकि हाइड्रोजन की 1 होती है। फिर इसके बाद हम इसको क्रिस क्रॉस करवा देते हैं और ये वाला 2 इसको दे देते हैं, ये H2 बन जाता है और ये S अकेला रहता है तो H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, H2S। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा वर्ड पे भी ध्यान मत दो, क्लोराइड पे ध्यान देना। कार्बन यानी C, क्लोराइड यानी Cl, क्लोरीन जो है वो -1 होता है जबकि कार्बन जो है वो 4+ होता है तो इसकी वैलेंसी 4 होती है जबकि क्लोरीन की 1 होती है। इसने इसको लिया, इसने इसको लिया तो Cl4 हो गया और एक ही C है ये तो CCl4, इसका फॉर्मूला हो गया CCl4। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो है वो Na+ के रूप में एग्जिस्ट करता है जबकि क्लोराइड जो है Cl- के फॉर्म में, तो ये -1 है, ये +1 है, ये 1-1 एक दूसरे को एक्सचेंज कर देगा तो एक ही रहेगा तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NaCl। सोडियम होता है Na+ जबकि कार्बोनेट होता है CO32-, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया तो CO3 तो अकेला रहेगा जबकि ये जो है Na2 हो जाएगा, तो ये है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम जो है वो 3+ में रहता है तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। सल्फेट जो है SO4 2- होता है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, इसने इससे लिया, इसने इससे, तो ये हो गया Al2 जबकि ये हो गया SO4 3। अब देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे 43 जैसा लगेगा तो यहां से इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको एक काम करना है, होमवर्क आपके लिए है कि 4 सवाल आपको करने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताना है, अमोनियम सल्फेट का बताना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताना है और पोटेशियम क्लोराइड, इनके फॉर्मूले आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिर इसके बाद हम इसके PYQs देखेंगे। 2024 का जो सवाल है वो पहला सवाल ये है कि केमिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो कैल्शियम क्या होता है,
Ca2+ फॉस्फेट क्या होता है PO4-3-, तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा Ca3 और ये बन जाएगा PO4 और ये 2, क्योंकि इसने इससे 2 ले लिया, बट ये 2 जो है अब ऐसे लग रहा है तो ये 42 की तरह लग रहा है, तो ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो Ca3PO4-2 ये कौन से वाले ऑप्शंस में है, ये है इस वाले में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ये बात तो है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, सही बात है, तो रेशियो ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बताना है इसके अंदर, तो कार्बन जो है यहाँ पे 12 है, जबकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 16 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 32। अब इसके बाद हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 12/32, तो ये 2 से भाग होगा ये 6 आ जाएगा, ये होगा तो ये 16 आ जाएगा, ये 2 से होगा तो 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो 3:8 जिसमें भी 3:8 है वो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन असरसन रीजन का दे रखा है, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। हाँ ये बात तो सही है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा उसमें एलिमेंट जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, सही बात है, और रीजन क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हाँ डिफरेंट एलिमेंट होगा तो डिफरेंट मास होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, ये भी सही बात है, पर क्या ये वाला इसका रीजन है, नहीं, तो हम लिखेंगे कि ये दोनों सही है बट ये इसका रीजन नहीं है, आर वाला इसका रीजन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ, हमें इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो कैल्शियम क्या होता है Ca2+, कार्बोनेट क्या होता है CO3-2-, तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, दोनों 2 है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी CaCO3, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम होता है Na+ जबकि क्लोराइड होता है Cl-, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो ये भी हो जाएगा NaCl, इसका फॉर्मूला हो गया NaCl। पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखना, पोटेशियम होता है K+, ऑक्साइड होता है O2-, तो ये 2 है ये 1 है, इसने इसको और इसने इसको दिया तो ये हो गया K2O, तो K2O इसका फॉर्मूला है पोटेशियम ऑक्साइड का। ये 3 मार्क्स का सवाल आ रखा है, तीनों के फॉर्मूले आपके बना के दिखाने थे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते पेपर के अंदर। अब देखते हैं 2023 का सवाल, तो पूछा है एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, तो एल्यूमिनियम होता है Al3+ और क्लोराइड होता है Cl-, तो इसके पास 1 है इसके पास 3 है तो ये 3 ले लेगा और ये 1 ले लेगा, तो AlCl3 किसमें है वो आंसर हो जाएगा AlCl3, ये तो Al3Cl है ये नहीं आंसर, AlCl3 ये रहा, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, दूसरा सवाल है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक सोडियम है एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, 3 एलिमेंट है इसमें टोटल, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, तो 3 एलिमेंट है ए इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल जो है ये 5 मार्क्स का दे रखा था एग्जाम में ये सवाल 5 मार्क्स का आ रखा है, इन्होंने बोला केमिकल फॉर्मूला लिखना है अमोनियम सल्फेट का, तो अमोनियम होता है NH4+ और सल्फेट होता है SO4-2-, तो इसको 2 दे देगा और इसका 1 ले लेगा, तो ये हो जाएगा NH4-2 और ये हो जाएगा SO4, तो ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। अगला है जिंक ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड में जिंक होता है Zn2+ और ब्रोमाइड होता है Br-, तो इसके पास 1 है इसके पास 2 है, ये इसको दे देगा ये इसको दे देगा, तो जिंक तो अकेला रहेगा लेकिन ये Br2 हो जाएगा, तो ZnBr2 इसका आंसर हो गया। अगला है राइट कैटायंस एंड एनायंस, इसमें कैटायन कौन है और एनायन कौन है, तो इसमें कैटायन है Cu2+ कॉपर कैटायन है, जबकि ऑक्साइड ऑक्सीजन जो है O2- वो एनायन है, कैटायन यानी कि प्लस वाला जो चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, जबकि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन सल्फेट है, एक्चुअल में ये सल्फेट है, तो ये SO4-2- हो गया, तो इसमें एनायन क्या है SO4-2- जबकि कैटायन है H+। अगला पूछा है मोलिकुलर मास बताना है ग्लूकोज का, और ब्रैकेट में ये दे रखा है, मैंने पहले कहा था ये दे रखा होता है, जो मोलिकुलर मास है वो पहले से दे रखा था, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का 16 दे रखा है, तो चलिए इसका यहाँ पे निकालते हैं C6H12O6 का निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हमें 6 को गुना करना पड़ेगा 12 से,
प्लस में 12 को गुना करना पड़ेगा एक से, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है और ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 को 6 से गुना करेंगे 72 आ जाएगा और ये 12 को 1 से गुना करेंगे 12 आ जाएगा और 16 को 6 से गुना करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। तो अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये जो है ये आएगा 6 7 8 9 10 10 का 0 हाथ से लगा 1 7 8 9 9 9 18 180 U। तो 180 U आपका ग्लूकोज का मोलिकुलर मास आया, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट कर दीजिए, या फिर मैं कल लाइव आऊंगा 8 बजे तो आप वहां पे डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। मैं वहां पे आपको डाउट में पूरा हेल्प करूंगा, जो भी आप चाहते हैं उस तरह की मदद मैं आपके करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।